नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेठी के जगदीशपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने रचना कोरी को प्रत्याशी बनाया है। रचना कोरी को पहली बार विधानसभा के लिए जगदीशपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। जगदीशपुर सीट की बात करें तो यहां से ज्यादातर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, साथ ही दो बार बीजेपी जीती है तो एक बार सपा ने परचम लहराया है। ऐसे में जगदीशपुर विधानसभा में प्रचार के दौरान रचना कोरी से बातचीत की हमारे सहयोगी योगेंद्र श्रीवास्तव ने। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। आ रही हैं जगदीशपुर विधानसभा में राधेश्याम जी को। देखिए, ये आप ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इतना डेकोरेशन देख रहे हैं, ये एक कार्यक्रम जो है ये एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन है। इससे पहले वो अपना कांग्रेस से हैगा, अपना विधायक रहे हैं और उनको भी हैगा, यहाँ की जनता आएगा सम्मानित से, उनको भी बुलाई गई है, मुझे भी बुलाई गई है। रही बात हैगा उनका कांग्रेस में छोड़ के सपा में आना कि क्या, ये उनकी जिम्मेदारी है। आपको तो समर्थन कर रहे हैं चूंकि नजदीकियां काफी दिखी आपके साथ। बम्पर वोटों से जीतूंगी तो आप देख लीजिएगा समर्थन हो रहा है। अखिलेश यादव तो इसका मतलब मान रहे हैं कि कांग्रेस के गढ़ में रचना कोरी, आप ये मान रही पार्टी, आप ये मान रही है कि कांग्रेस के गढ़ में ही कांग्रेस को तोड़ रही है और 2022 के चुनाव में जगदीशपुर के किले को फतेह करेंगी। चलिए 2022 में 10 मार्च को देखते हैं। फतेह मुबारक हो आपको। विधानसभा के ऊंच गांव में एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन था और उसी में मुलाकात हुई और मुलाकात में एक खास बातचीत, उसमें इन्होंने आरोप लगाया है प्रदेश सरकार पर कि प्रदेश सरकार ने विकास नहीं किया है। जगदीशपुर विधानसभा में तो बिल्कुल विकास नहीं किया है, लेकिन नतीजों के लिए हमें भी इंतजार करना होगा 10 मार्च का। 10 मार्च में अब जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे और सरकार किसकी बनती है। फिलहाल रचना कोरी जी का दावा है कि प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और जगदीशपुर विधानसभा से वो चुनाव जीतेंगी। योगेंद्र श्रीवास्तव अमेठी से, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वही उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में एक होटल में पुलिस की तरफ से छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें पुलिस ने 3 युवतियों सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। वही पुलिस ने मौके से तमाम आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। इसी के साथ ही होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए होटल को सीज कर दिया गया है। हमें ये सूचना मिली थी जिसमें थाने की टीम गई, ये शिवम वाटिका होटल है नानकमत्ता में, जिसके मालिक अखिलेश मिश्रा जी हैं। तो होटल में छापा मारा, वहाँ पर जो है 3 लड़कियाँ और 4 लड़के पकड़े गए हैं। एक लड़की झारखंड की है और एक दिल्ली की और एक जो है वो हरियाणा की लड़की है, जो अनैतिक देह व्यापार के धंधे में जो है वो लिप्त मिली है। और सर लड़के पिथौरागढ़ के हैं, वो अपने को जो है पिथौरागढ़ जनपद के बता रहे हैं लड़के। सर जो होटल पर कोई कार्रवाई की गई है, सीज की कार्रवाई इसमें कोई की है? हाँ, होटल पर सीज की कार्रवाई कर दी गई है। और कौन से अभियुक्त पंजीकृत इसमें अनैतिक देह व्यापार से संबंधित जो है मुकदमा पंजीकृत हो गया है, आगे की पैदानी कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी ने आवास विकास स्थित एक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे। कार्यक्रम से पहले मदन कौशिक का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरा और कहा कि कार्यकर्ताओं को अपने जोश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देनी चाहिए, सामने वाले को कमजोर नहीं समझना है, एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करना है। यदि आप ही कह रहे हैं जन समर्थन मिल रहा है तो पहले मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ और निश्चित रूप से जो प्यार मुझे जनता का मिल रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत का मिल रहा है, आने वाले समय में जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा और मुझे भी पूरा भरोसा है कि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की सीट डालने वाले हैं। और जिस प्रकार से विकास कार्य इस दौरान मेरे इस 5 साल में किए गए, मेरी सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर या मेरे पूरे उत्तराखंड पर रहा हो, तो अब कोई संशय बचता नहीं है। और घर घर में जाके जिस प्रकार से कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, गली गली कूचे कूचे में जा रहा है, उसके बावजूद जनता सिर्फ एक ही बात कह रही है, भैया क्यों आ रहे हो, आप तो जीते हो, लेकिन फिर भी मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा मतांतर बढ़े। मैं भरोसा कर रहा हूँ कि बहुत बड़े अंतर से हम ये सीट जीते।
ऋषिकेश में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने घोषणा की छड़ी लगाते। कैबिनेट मंत्री का कहना था कि पिछले कुछ सालों से सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और निजी स्कूलों के हाथों में सब कुछ दिया जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड बिजली बनाता है, लेकिन उत्तराखंड की जनता को बिजली महंगी मिल रही है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों को अभी तक किसी भी पार्टी ने पूरा नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के हर सपने को पूरा करेगी। चुनाव में देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब टिकट वितरण होता है, एक विधानसभा में टिकट तो एक ही को मिलेगा, काम तो सैकड़ों लोग हजारों लोग करते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था तो होता ही है। जब टिकट नहीं मिलता कुछ समय के लिए, कुछ लोगों में उदासी आती है, लेकिन सब लोग अल्टीमेटली मिलके आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे, चूंकि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए थे। मैं कहना चाहता हूँ जनता को कि आप उत्तराखंड का नवनिर्माण करने के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, पहले आपके पास विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प आम आदमी पार्टी है। आप झाड़ू चलाकर उत्तराखंड में जितनी भी गंदगी इकट्ठी होगी उसको सफाया कर दो। वहीं कानपुर टाटपुर क्षेत्र में हुए सड़क हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने घटना पर शोक प्रकट किया। सीएम ने कहा कि प्रशासन को घायलों को इलाज कराने का निर्देश दे दिया गया है। कालाढूंगी में टिकट न मिलने पर बागी हुए और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट अपना नामांकन वापस लेंगे। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष गजराज बिष्ट को मनाने के लिए पार्टी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गजराज बिष्ट के आवास पहुंचे और उनको कालाढूंगी सीट पर अपना नाम वापस लेने का आग्रह किया है। में प्रदेश के महामंत्री भी रहे, मंडी परिषद के हमारे अध्यक्ष रहे, हम सब उनको बहुत लंबे समय से उनके योगदान को जानते हैं। उन्होंने नामांकन किया है और मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जनहित में कालाढूंगी की जनता आपको चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आखिर बंसीधर भगत जी को अगर पार्टी ने टिकट दिया है तो आप एक बार हमारे अनुरोध पर और अपना नामांकन वापस ले लीजिए। भाई साहब ने जो भी बात कही है वही काफ़ी है। मैं तो केवल अपने जीवन का एक शेर मुझे आज याद आ रहा है, वही आप सबके सामने में रख देता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। कि हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे केवल इतना ही कहना है और मुझे बाकी कुछ नहीं कहना। वही फरखाबाद के कुंदन नगला में दबंगों ने पुरानी रंजिश में युवक को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा, जिसमें युवक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं लहूलुहान हालत में युवक थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, फरखाबाद के कुंदन नगला की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर एक युवक को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों के साथ पीटा, जिसके बाद घायल अवस्था में युवक थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत में फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते।
तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हुए। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहां पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहां पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर में पत्नी की हत्या करने का एक मामला सामने आया है। मामला जरिया थाना क्षेत्र के चंडौत गांव का है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था, तभी पति को पत्नी ने पीट दिया, जिससे आहत पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी के छोटे भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं देश में आज से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को संसद में घेरने की फुल प्रूफ योजना बना ली है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है, हम देश में महंगाई, बेरोजगारी, कृषि और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के दाम बढ़ाने का मुद्दा समय समय पर उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल का मानसून और शीत सत्र नहीं चल सका, इसके लिए कई लोगों ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन सरकार ने जासूसी स्पाईवेयर पेगासस खरीदकर पत्रकारों, नेताओं आदि पर इसे इस्तेमाल किया है और हम इस मुद्दे को फिर से उठाने वाले हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। इस साल का पहला सत्र है। परंपरा के मुताबिक बजट सत्र की शुरुआत हमेशा राष्ट्रपति के अभिभाषण से की जाती है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण की शुरुआत देश के वीरों को नमन करते हुए की है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं देश के सभी लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी, देश को उसके हक दिलाए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इन 75 सालों में अब तक देश के विकास यात्रा में जितने भी लोगों ने अपना योगदान दिया है, उन सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। विधानसभा चुनाव आते ही सभी दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी विजय राठौर ने बदायूं की दातागंज सीट को लेकर जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास किया है। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, इस बार जनता किसका साथ देने वाली है, आप भी सुनिए क्या है जनता की राय। चलते चलते एक बार दातागंज नगर के में प्रवेश किया है और दातागंज नगर में देखेंगे कि व्यापारी वर्ग जो है किस तरफ है। 117 विधानसभा की जो हवा किस तरह पिछला दिखाना सक चाहूँगा कि ये जो मार्केट है टोटल व्यापारी वर्ग की है और यहाँ पर जो है 117 विधानसभा में व्यापारी वर्ग की क्या राय है। हमारे साथ कुछ भैया हैं, जानना चाहूँगा नाम क्या है भैया? मोंटी गुप्ता। अच्छा, क्या लग रहा है 117 विधानसभा में हवा किस तरफ है? इस बार भाजपा की ही लहर है। इससे पहले भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया रहे हैं यहाँ पे, 5 बरस में उनके द्वारा क्या क्या कार्य? उनके द्वारा बहुत से कार्य हुए थे, नगरिया पुल बना था, एक बिजली वो बना था, एक फायर स्टेशन बना है, एक पीएसी बटालियन बनी है, काफ़ी निर्माण कार्य हुए हैं जो अभी तक किसी विधायक ने नहीं कराए। अच्छा,
वो राजीव सिंह ने कराए। हमारे साथ भैया और भी यहाँ पे हैं, व्यापारी हैं, तो जानना चाहेंगे कि अगर व्यापारी वर्ग एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग रहता है और जिस तरह भी व्यापारी कमर कस लेता है कि सरकार किसकी बनानी है, तो भाजपा सरकार में व्यापारियों को क्या क्या लाभ मिले और सरकार जो है किसकी बना रहे हैं? सभी सुविधाएं मिली हैं और सभी भाजपा के साथ हैं। कि तो यहाँ 117 विधानसभा में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? भाजपा की बनेगी सरकार, बब्बू भैया यही हैं प्रत्याशी यहाँ के। बहुत बढ़िया। और मेरे साथ और भी भैया हैं, देखना चाहूँगा पीछे जो दुकानें हैं उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा कि किस। जी भैया, अरे कुछ करो। एक बड़ा सवाल है दातागंज विधानसभा से कि व्यापारी वर्ग जिस तरफ मुख कर जाता है उस तरफ सरकारें और सत्ताएं पलट जाती हैं। अब देखना ये होगा कि 117 विधानसभा में व्यापारी वर्ग किधर है। दादा क्या लगता है 117 विधानसभा में किस तरफ हवा जा रही है? भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। तो प्रदेश में क्या है, प्रदेश में किसकी सरकार ला रहे हैं? भाजपा की सरकार आएगी, निश्चित आएगी। यहाँ पर 5 वर्ष में विधायक रहे राजीव कुमार सिंह, तो उनके द्वारा क्या व्यापारी वर्ग को कुछ फायदा हो पाया है? बिल्कुल फायदा हुआ है व्यापारी वर्ग को, और बहुत उन्होंने विकास कार्य किए हैं जो आज तक किसी विधायक ने नहीं किए दातागंज में, जो 20 साल में काम नहीं हुआ। कोई दो कार्य ऐसे बता दीजिए जो विधानसभा में नहीं, पहले से नहीं हुए थे और जो है दातागंज विधानसभा में राजीव सिंह के आने के बाद हुए। नगरिया पुल बना है, महिला बटालियन बनी है, बिजली घर का एक प्लांट लगवाया गया है, वो भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है, बहुत विकास कार्य हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात व्यापारी वर्ग की आती है तो बिल्कुल भाजपा के लिए जो है सपोर्टेड है और भाजपा की एक बार जो है फिर से सरकार बनाने की। देखिए मेरे साथ युवा भी हैं, तो युवा वर्ग व्यापारी वर्ग के साथ साथ युवाओं की क्या सोच है? राजीव भैया आएंगे, बब्बू भैया। तो बब्बू भैया ने क्या युवाओं के लिए क्या सोच रखा है? क्योंकि देखिए बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, तो युवा वर्ग के लिए ये दोनों चीजें जो है कहीं ना कहीं दुखदायी होती हैं। तो क्या लगता है कि इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है, महंगाई रहेगी या बेरोजगारी? मुद्दा यहाँ तो वो हिंदू मुसलमान वाला चल रहा है फिलहाल में मुद्दा, और महंगाई वाला मुद्दा ऐसा है बब्बू सही है, बहुत बड़ी विधायक है आपके। एक बार फिर जो है व्यापारी वर्ग को भी खंगाला जाए कि व्यापारी वर्ग किस तरफ अपनी सोच रखता है। अब मेरे साथ भैया है, मैं जानना चाहूंगा कि 2022 अभी 14 फरवरी को मतदान होना है, तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार योगी आदित्यनाथ जी की बनवा रहे हैं। ये देश का सौभाग्य है जो पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे हमारे लिए दो दो नेता मिले। विश्व में भारत की छवि लाचारगी, बेचारगी की, गरीबी की थी। आज कोई ये नहीं कह सकता भारत लाचार है, भारत पे कोई कर्जा नहीं है। नरेंद्र मोदी की शासनकाल में भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं है। कांग्रेस के शासन में देश के 70 सालों में भ्रष्टाचार, देश को लुटाई इतनी हुई जिसके जवाब नहीं। लेकिन आज वो स्थिति पैदा हो गई है कि मैं कह रहा हूँ हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है ये अवतारी पुरुष मिले हैं। पाकिस्तान को कोई कभी गरीब नहीं कर सका, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए पाकिस्तान को बगैर लड़े गरीब बना दिया। क्योंकि अच्छा, बात रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की कमाई का एक ही जरिया था, नकली करेंसी छापो भारत में घुसेड़ दो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो भी सब खत्म कर दी। और ये जो विपक्षी लोग चीख रहे हैं, इनकी दुकानें बंद करा दी उस व्यक्ति ने। ऐसा सीएम ऐसा पीएम ना आया ना कभी होगा। मैं तो कहूँगा 1000 साल की इनकी उम्र हो जिससे हमारे देश के सौभाग्य खुलता ही चला जाए। अगर बात 117 विधानसभा दातागंज की जाए, तो यहाँ पर एक 2017 में राजीव सिंह और बब्बू भैया चुन करके आए, तो क्या लगता है इस बार हवा किस तरफ है? क्या भाजपा की सरकार यहाँ पर बन पाएगी या फिर कहीं दूसरा चेहरा बदल के आएगा? या ये दातागंज विधानसभा का एक इतिहास भी रहा कि जो भी यहाँ पर आया है उसने अपने आप को दोहराया है, तो क्या राजीव सिंह इस बार दोबारा चुन? आप दोहराने की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ राजीव कुमार बब्बू भैया जैसा विधायक हमेशा होता रहे। उसके एक कारण भी है, मेरी उम्र 60+ हो चुकी है, मैंने कई विधायकों को होते बनते बिगड़ते देखा है, लेकिन देश क्षेत्र का विकास ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक। बब्बू भैया ने क्षेत्र में विकास के अलावा और कुछ उनको धुनी सवार नहीं है। और जो भी वादी प्रतिवादी आते हैं, वकील साहब विनय कुमार सिंह उनके भैया, आप जैसे तुरंत निस्तारण कर देते हैं, किसी जनता को तक तकलीफ नहीं हुई। और देश हमारे क्षेत्र में इतना विकास बब्बू भैया के अलावा किसी ने किया ही नहीं है। आप दो बार की बात कर रहे हैं, 1000 बार आएंगी ये। अच्छा क्या लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, तो भाजपा का एक बड़ा कुनबा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा है,
मंत्री होते हुए कई बड़े कुनबे को जो है सपा के तरफ ले गए हैं, तो क्या लग रहा है कि सपा भाजपा को बड़ा नुकसान होगा? देखिए महोदय, वो दिन गुजर गए जब टीवी और अखबार में वही खबरें छपती थी जो भ्रष्टाचारी छापते थे। सोशल मीडिया ने घर घर में मतदाता जागरूक कर दिया। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी ये सब समझते हैं, बेटे को टिकट नहीं मिला तो भाग गए। अब सपा ने सभा में कोई पूछ नहीं हो तो फिर इधर के गुणगाने लगे। ये दल बदलू नेता जो है दलदल में पड़े हैं, दलदल में ही पड़े रहेंगे, क्या इनकी बात करते हो आप? ये कुछ नहीं है, सोशल मीडिया ने लोगों को जागरूक बना दिया, एक इधर खबर हुई इधर आ गई। ये स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सरकार चल रही है वही चलती रहेगी, आप देख लेना इस बात को। देखना ये भी होगा कि कहीं ना कहीं भाजपा को छोड़ करके एक बड़ा कुनबा जो है सपा में शामिल हुआ था, मगर व्यापारी वर्ग की अगर देखा जाए तो कोई नुकसान भाजपा को नहीं होता दिख रहा है। हमारे साथ और भी भैया हैं, क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार दोबारा से उत्तर प्रदेश में रिपीट बिल्कुल आएगी? बिल्कुल आएगी, इसमें कोई वो नहीं है, अच्छे काम किए, बिल्कुल रिपीट करेगी। और 117 दातागंज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या लग रहा है, किस तरफ हवा का रुख किस तरफ है? हवा है ही नहीं, एक तरफ ही हो गया चुनाव। पूरा चुनाव में माननीय विधायक जी ही सफल होंगे और आप वोटों की गिनती देखनी कितनी ज़्यादा होगी, लेकिन रिकॉर्ड मतों से वो ही विजय होंगे। अच्छा, बात 117 की अगर की जाती है तो यहाँ पर जो है 3000 करोड़ के काम निकल के आते हैं कि एक राजीव सिंह ने करा दिए, तो उनमें 3000 के काम कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी जगह? एक तो आपका महिला वो है बटालियन है सहजनी, और एक सीएनजी प्लांट है सहजनी में ही, और काजी खेड़ा में एक वो एक तो ये लगाया है उसका सौर ऊर्जा प्लांट जो यूपी का दूसरे नंबर का प्लांट। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हलचल दिखाई दे रही है। बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है, ऐसे में क्षेत्र की जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। 122 विधानसभा की जो सुरक्षित सीट है, इस सीट पर कई दिग्गज प्रत्याशी मैदान में हैं। हमारे सहयोगी सोनू अंसारी ने लोगों से जानना चाहा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, इस बार वो किस पार्टी का साथ देंगे। आप भी सुनिए आखिर जनता के मन में क्या है। 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐसे में बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है, तो सपा के जो उम्मीदवार हैं वो लाल लश्कर के साथ इस समय अपनी जीत को लेकर कहीं ना कहीं नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। लगातार एक से एक धुरंधर जो है पिच पर उतरकर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी में से एक हमारे सामने है 122 विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय पाल सिंह। उनसे हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि 122 विधानसभा में क्या है इस बार हाल, और जो उनके जो पिछले कार्यकाल में जो भी काम रह गए थे उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, और साथ ही साथ उनके नए एजेंडे क्या है। विधायक जी, न्यूज़ लाइट इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या जो इस आपके थीम से किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हो और क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषित कर ही दिया है, और वो एजेंडा जो है जन कल्याणी है, जनता के हित में है, और भारतीय जनता पार्टी इस 5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जनता के बीच में कह सकें जाके। और हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि गांव का और किसान का विकास होना चाहिए, गरीबों का विकास होना चाहिए, क्योंकि सरकार में महंगाई इतनी हो गई है कि हर व्यक्ति के गांव के लोगों के लिए 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, 3500 कर दिया, सरसों का तेल 100 था 200 रुपये कर दिया है, और हर चीज़ महंगी हो गई है। यानी जो जानवरों का भूसा है वो 14 रुपये किलो बिक रहा है, चोकर जो था 700 रुपये कट्टा 750 का वो 1200-1250 को मिल रहा है, दूध का रेट 30 रुपये है मात्र, और पानी जो है 750 ग्राम 30 रुपये का मिलता है, दूध का स्तर इस गवर्नमेंट ने गिरा दिया है। महंगाई की खातिर लोग कम दूध के जानवर हैं उनको जंगल में छोड़ के आ रहे हैं, उसके लिए किसानों को झेलना पड़ रहा है। फरीदपुर में एक लंबे समय से डिग्री कॉलेज की मांग रही है छात्रों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही कॉलेज है डिग्री कॉलेज, और बाकी 4 जिलों के यहाँ आसपास आते हैं, तो उनके लिए डिग्री कॉलेज के लिए छात्रों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, फरीदपुर में डिग्री कॉलेज है एक, लेकिन उसका बहुत छोटा स्तर है। हमारी सरकार बनने जा रही है और फरीदपुर में और भुता क्षेत्र में 2 डिग्री कॉलेज कम से कम बनवाने का काम किया जाएगा, जिसमें सभी फैकल्टी होंगी हमारे यहाँ के स्टूडेंटों के लिए, बाहर ना जाना पड़े पढ़ाई के लिए। आपकी विधानसभा में फरीदपुर नेशनल हाईवे पर कई फैक्ट्रियाँ हैं, औद्योगिक धंधे तो लगे हैं लेकिन यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिला। देखिए, फैक्ट्रियाँ बहुत लगी हैं,
इस सरकार में सब पूंजीवादियों की फैक्ट्री लगी हैं। जो बीजेपी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे क्षेत्र के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके लिए जितना मिलना चाहिए श्रमिक मजदूरी पूरी नहीं दे पा रहे हैं। आप बसपा से हैं और सपा के यहाँ के विधायक जयपाल सिंह हैं और सुमित चांदनी सिंह हैं, तो यहाँ के अगर विकास की बात करें तो किस तरीके से विकास हुआ है अब तक? देखिए फरीदपुर में आप सभी सारे लड़के हमारे बीच में हैं और आप भी देख रहे हैं कि मैं तो 40 साल से फरीदपुर में देख रहा हूँ, तो 40 साल पहले स्थिति थी वो आज वैसी की वैसी स्थिति है। ना ही यहाँ कोई शिक्षा के बारे में कोई किसी तरह का सुधार हुआ और स्वास्थ्य सेवाएं आप सभी से कोई छुपी नहीं, जैसे 40 साल पहले थी वो आज भी हैं। अभी हमारे बड़े भाई अमित जी ने कहा ओवर ब्रिज के लिए तमाम इतनी दिक्कत होती, हम दो दो घंटे ढाई ढाई घंटे जाने के लिए, कई मौतें हो गई, कई हमारे जो छात्र जाते हैं पल्ली तरफ क्रैश करते हैं, तो बड़ी समस्याएं पैदा है। इसको ओवर ब्रिज बनना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के किसी के चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, तमाम मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार लमसम 40 वर्ष से मांग चली आ रही, लेकिन हाँ हाँ खाली कर दी जाती, कोई इस पर गौर नहीं होता। रोडवेज की देख लीजिए यहाँ अहम समस्या है, कृषि मंडी है, तमाम समस्याएं समस्या है। हमारे यहाँ का नौजवान छात्र ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट घूम रहा है, कहीं वो दिल्ली में काम करने जा रहा है, गाजियाबाद में, नोएडा में, हरियाणा में, पंजाब में। सरकार तो कह रही है कि तमाम विकास कराए यहाँ पर, धरातल पे इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, रोजगार मिल रहा है। देखिए फरीदपुर में कितनी इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, कितने रोजगार हुए हैं, कोई फैक्ट्री लगी है बताइए, प्राइवेट लगी हो कोई हो, आपके सामने सब है, पूछ लीजिए किसी से। अगर मैं कह रहा हूँ क्यों जाएं हरियाणा लोग, क्यों पंजाब जाएं, क्यों हिमाचल जाएं, क्यों दिल्ली जाएं, कोई रुद्रपुर जा रहा है, कोई गाजियाबाद में, नोएडा में, इसीलिए तो पलायन कर रहे हैं। आप किसी गांव में चले जाइए 20% 25% नौजवान बाहर काम करते हुए मिलेगा, तमाम वो समस्या है। यहाँ पर किसी ने कोई आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं किया है। फरीदपुर विधानसभा में लगभग 3,37,000 मतदाता हैं और इसी में से कुछ मतदाता और भी हैं, बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और मैं रसदीप रसदीप जी, सबसे पहले ये बताइए विधायक आपके हैं, 5 साल सत्ता में भी रहे और केंद्र में भी आपकी सरकार है, फरीदपुर को अब तक अछूत रखा गया है, यहाँ पर विकास की बात तमाम लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगाए, तो क्या माने? ये बिल्कुल गलत है, निराधार बात है। फरीदपुर में तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।